प्रातः क्लास चल रहा था। 8 जनवरी 1968 सोमवार को चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी कि समझाने वाला तो एक ही है, व्यक्तित्व रूप में है तो भी एक ही है, और आत्मा है तो एक ही आत्मा सुप्रीम सोल है जो समझाने वाला है। टीचर समझाते हैं ना तो वो बाप आते हैं आत्माओं से बात करने के लिए, तभी तो गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी देखो इस अर्थ को तुम कैसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो, परंतु जो भी महारथी हैं वो ही समझ सकते हैं और ठहर सकते हैं, और बाकी तो गिर पड़ते हैं। अभी ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए, अपन को आत्मा समझ है, परम पाठधारी परमात्मा को याद करना। अभी तुम पावरफुल हो तो समझो, अपन को आत्मा समझते हो तभी तो पावरफुल बनते हो ना, क्योंकि योग लगाते हो और तुम्हारे में पावर आती है। आत्मा समझ कर और फिर दूसरों को समझाओ। देह भान में रह करके दूसरों को समझाने से फायदा नहीं होगा। अभी अपन को आत्मा समझना, तो जितना आत्मा समझेंगे उतना ही उनके पास ज्ञान होगा, और जो आत्मा ही अपन को नहीं समझ सकते हैं तो वो धारणा कैसे कर सकेंगे? विनाशी शरीर में धारणा होगी क्या? धारणा तो चैतन्य आत्मा में ही होगी। तो इसको कहा जाता है कि हम आत्मा हैं। याद करते हैं बाप, तभी बाबा कहते हैं कि इसमें जौहर रहेगा, ताकत रहेगी। ज्ञान की कोई ताकत नहीं है, योग बल की ताकत है ना? तो ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है। देखो इस योग बल से बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बने थे ना, ऐसे थोड़े ही है कि तुम नहीं बने थे, तुम थे जरूर विश्व के मालिक, तभी तो अभी आकर उठाते रहते हो ना नंबर बार पुरुषार्थ अवसर, और फिर पुरुषार्थ में टाइम तो लगता ही है, ऐसे नहीं है कि टाइम नहीं लगता है, बहुत टाइम लगता है। तुमको सारी सृष्टि का सृष्टि को विजय करना है, और टाइम भी तुमको मालूम है। अभी टाइम मालूम है ना कि जब तलक हम तुम्हें आप समान नहीं बनाएंगे है, ये बहुत नहीं होंगे,
तब तला कोई ऐसे बड़ी लड़ाई लगे भी, भले तीखी भी लगे, ऐसे नहीं कि तीखी लड़ाइयां कोई लगी नहीं है, वो बामसक भी तो आई ना। ४९४५ तक छोटी छोटी बाउंस छूटे ना, तो उसे भी कहेंगे तीखी लड़ाई लगी। पूरे जापान के बड़े बड़े दो शहर ध्वस्त कर दिए। ऐसे नहीं कि लड़ाइयां तीखी लगी नहीं है, तो वो तीखी लड़ाइयां बॉम्ब तक भी तो आई ना, देखो फिर भी बंद हो गई, क्योंकि दूसरे के पास तो थे ही नहीं। तो अभी तो इस दुनिया में बहुत देशों के पास है और ये बॉम्ब सभी ढेर हैं। सो ये भी बनाते जाते हैं, बनाते रहते हैं। अभी तो देखो क्या क्या बनाते हैं। अब ये बनाए हैं तो कोई रखने की चीज थोड़े ही है, उनको कुछ भी बुद्धि में समझ नहीं आती है। अभी तो इनको जो कल्प कलयुग की आय बड़ी समझते थे ना, तो वो अभी जरूर समझेंगे कि नहीं समझेंगे कि कलयुग आकर के अभी पूरा हुआ है। वो है तो वो ही लड़ाई जो कल पूर्व हुई थी, तो वो जो धर्म स्थापना होती है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है, वो तो गीता एपिसोड से होता है और वो एक गीता ही है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। उसे पहला पहला अव्वल धर्म स्थापन हुआ। ये पहला पहला धर्म तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापन हुआ है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में स्थापन हुआ है। पुरानी दुनिया कलयुग का अंत, नई दुनिया सतयुग का आदि। तो ये बात भी तो समझना पड़ती है ना बच्चे, और ये अच्छी तरह से समझना पड़ता है। तो समझेंगे तो वो समझाएंगे और उनको बुद्धि में बैठ जाएगा। 8 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो ये तीखी लड़ाई थोड़ा दिन के बाद फिर बोलेंगे, अरे ये तो वो ही महाभारी महाभारत की लड़ाई है। और फिर आवाज निकलेगी कि जरूर भगवान है। अभी कौन भगवान है, कौन बैठ करके समझाते, इस बात में बहुत मुझेंगे। फिर जब तुमको बहुतों को देखेंगे ना, तो यही जो कहती है कि शिव भगवान वाच कृष्ण भगवान वाच नहीं है, और ये शिव भगवान वाच को जो सुनते हैं ये वृद्धि को पाते रहते हैं, तो जरूर इनमें माइट है ना बहुत।
तब ही तो इतनी वृद्धि को पाते रहते हैं। तो वो वृद्धि पाना भी माइट का काम है ना बच्ची, तुम्हारी माइट है, क्योंकि तुम जितना जितना बाप को याद करते हो उतना तुमको मदद माइट मिलती है। उसी बाप की याद में या बाबा की याद में तुम माइट देंगे ना किसको? तो ला कहता है कि मम्मा के पीछे कोई उनकी बात पकड़े तो पकड़ने के लिए दीदी को पकड़ते हैं। भाई दीदी दीदी तुम उसकी जगह बैठो। किसकी जगह? मम्मा की जगह। बैठकर दृष्टि दियो, जिसे मम्मा भी थोड़ा समझाती थी ना, तो और बाबा तो पीछे आते थे, तो वो ही चलन चलनी होती है वास्तव में, परंतु वो चलती नहीं है, समझे ना? दीदी को भी जाना पड़ता है, कहाँ न कहाँ जाना पड़ता है ना। यूं तो मम्मा को भी जाना पड़ता था, परंतु यहां फिर उनके बदली में जो सीट होती है ना, वो सीट तो फिर जरूर पकड़ी जाती है, पर ऐसा मिलता नहीं है कोई। देखो एक भी मम्मा की जूती में पैर नहीं डाल सकते, तो है ना सही ज्ञानवान? बहुत ही तीखे अच्छे, ऐसे नहीं कि कम है। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे ये बाबा ये वो बाबा नहीं, शिव बाबा नहीं, ये दादा कहते हैं। वाह, मेरे से तो सर्विस बच्चे बहुत करते हैं। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेरे से भी जास्ती बच्चे बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, सारा दिन सर्विस करते हैं। देखो है ना बरोबर? देखो प्रदर्शनी में जाते हो सारा दिन, तो तुमको जरूर मेहनत करनी पड़ती है। हाँ सिर्फ थोड़ी देरी है, क्यों? क्योंकि तुम यथार्थ रीति योग में निरंतर रह नहीं सकते हो। बाप तो कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, है माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। और वो गीता में भी लिखा हुआ है ना, माम एकम नमस्कुरु। तो ये फील करते हो कि बरोबर ये पॉइंट है जिस पॉइंट में हम बहुत कम है, इसलिए तीर नहीं लगता है। और तीर तो भरते हैं ना, काहे में? इस बुद्धि रूपी तरकस में तीर तो भरते हैं, ये तो कहते हैं ना, है? कि तुम सब में तीर ज्ञान के शिव बाबा भरते हैं, हैं ज्ञान के तीर।
तो भगवान बैठ करके इन कुमारियों में, और तुम कुमारियां हो गई हो ना अभी, ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो बाप कौन है जो ज्ञान के तीर भरते हैं? भगवान ही बाण भरते हैं। तो अभी ये तो ब्रह्मा है, ये शिव तो नहीं है ना, और ये बच्चे जो हैं इस ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, है? माना ये ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा तो बच्चे चंद्रवंशी हुए या सूर्यवंशी हुए? चंद्रवंशी हुए, इन्होंने अडॉप्ट किया है, तो क्या कहेंगे? ये भी तो क्रिएशन है, ये भी ब्रह्मा क्रिएशन है, इसका क्रिएटर फिर कोई होगा ना। तो इन ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, और वो क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब है क्रिएशन। तो ये क्रिएशन ही पढ़ रही है ना। तो बाबा बाबा उनको कहा जाता है, इनको नहीं कहा जाता। उनको कह के दूर क्यों किया? कि वो शिव बाबा पार्ट जिसका है प्रैक्टिकल में, वो तो बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है ना। तो ये अभी कौन पढ़ रहे हैं? कहेंगे ब्रह्मा की क्रिएशन पढ़ रही है, न कि ज्ञान सूर्य की क्रिएशन है, है? ज्ञान सूर्य की क्रिएशन तो है सूर्य की तरह तीखी होगी ना। कहेंगे ये सब अभ्यास कर रही है, तो उसमें तो ये क्रिएशन भी आ जाएगी। और क्रिएशन को कभी भी कोई ऊंच नहीं कहा जा सकता है, है? क्रिएटर कोई ऊंच कहा जाता है? और अभी तो इस दुनिया में देवताएं तो है नहीं, ये कहेंगे कि तुम देवताएं बन रहे हो, गाते भी हैं, मानुष्य देवता के करतन लागी वार, गायन है ना। एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली, तो वो नर से नारायण बनने के दैवी गुण धारण कर रहे हो। सो तो बच्चे बड़ी मेहनत लगती है, गृहस्थ व्यवहार में रह करके भी दैवी गुण धारण करने वाले बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भी तो देखते हो ना कहां कहां, उनमें भी दो फीता भी नहीं चल सकते, और जो अनन्य है, बाबा किसी के नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके नाम लेवे तो बहुत फंक हो जाए। क्यों? क्योंकि जिनका आधार लेकर के खड़े हैं तो वो आधार ऐसे है जैसे रेती है, रेती जल्दी ढलक जाती है, आधार ही ढलक जाएगा तो आधार के ऊपर खड़ा रहने वाला खड़ा रह सकेगा? नहीं।
नहीं तो कोई भी किसका नाम ले ये फलाना ऐसा है तो समझना चाहिए। बाबा कहते हैं ना तो मेरे में तो अवगुण है तो जरूर अवगुण है कुछ न कुछ, वो समझे कि हाँ ये बाबा सच कहते हैं। अवगुण तो जरूर है परंतु नहीं कुछ ऐसा कहे ना सभा में किसको है, और ऐसे कह करके चमाट लगा में तो क्या रिजल्ट होगा हा? वो तो ढेरी हो जाएगी। ये बच्चे फील करते हैं क्योंकि बच्चे एक दो को जानते भी हैं बहुत अच्छे से। हाँ ये कहेंगे सब नहीं जानते एक दो को, जिनके साथ गुजर बसर होती है तो वो एक दो के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। किसी के साथ रहने से ही तो उसके स्वभाव संस्कारों का पता चलता है ना है? जिनका गुजर ही नहीं है तो वो क्या समझा सकते हैं? तो ये तो नॉलेज है। कैसी नॉलेज है? जिस नॉलेज से तुम डबल सिर ताज बनते हो। देवताओं को ताज दिखाते हैं ना, एक तो स्थूल ताज दिखाते हैं और दूसरा प्योरिटी का ताज दिखाते हैं। तो अभी तुम डबल से ताज बनते हो, एक तो विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज और दूसरा अपने अंदर पवित्रता धारण करने का ताज। और अभी तो देखो तुमको कितना ज्ञान है कि जरूर अभी तो हमारा हक है कि हम ही थे है, अभी चक्कर लगा के फिर डबल सरताज बनना है। तो देखो ये चक्कर कितना वंडरफुल है, सृष्टि का चक्कर। किसको बुद्धि में ही नहीं बैठता? जब ये सब बच्चे अज्ञान में थे तो इनकी बुद्धि में कुछ समझ थोड़े ही थी। ऐसे ही सभी थे, ऐसे ही बिल्कुल। और ये कुछ भी नहीं मानने के लिए तैयार नहीं होते। पहले तो ऐसे ही होता है फट से, धीरे 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 धीरे, बहुत मेहनत है इसमें समझने और समझाने में, बहुत बुद्धि चाहिए क्योंकि अभी तो कोई देह की कर्म इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियों का काम थोड़े ही है। अभी किसका काम है? आत्मा का काम है ना है? तो देखो इस आत्मा में बुद्धि की पावर तो है ना है? और सभी मनुष्य मात्र को नंबरवार कुछ न कुछ बुद्धि की पावर है कि नहीं? कहते भी है बुद्धि है हजार नियामत है। आठ जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। तो ऐसी बुद्धि को
फिर कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जो इस आत्मा में है, आत्मा कही जाती है सच्चिदानंद, वो तो आत्मा की कितनी महिमा है। अब ये आत्मा सब कोई देह अभिमानी तो नहीं है, देही अभिमानी पहले तो नहीं थे ना, और अभी भी देही अभिमानी तो कोई होते ही नहीं है यहाँ। कब की बात बता रहे हैं? है? यहाँ, यहाँ माने कहाँ? ये पुरानी दुनिया जब तक है तब तक देही अभिमानी माने आत्मा अभिमानी, देह को धारण करने वाली देही आत्मा अभिमानी है ही नहीं। जब तलक बाप इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष न हो जाए, प्रत्यक्ष होने को ही जन्म कहा जाता है ना, तो अभी बाप प्रत्यक्ष है कि गुप्त है, क्या कहेंगे? कहेंगे गुप्त है, है? बाप भी गुप्त है, बच्चे भी गुप्त। तो बाप ही आकर के देही अभिमानी बनाते है, नहीं तो सब देह अभिमानी। अभी तुम समझते हो कि पहले हम देह अभिमानी थे और देही अभिमानी क्या चीज होती है ये हमें मालूम ही नहीं था, न हमें मालूम था न दुनिया को कोई मालूम था, अभी भी नहीं मालूम दुनिया वालों को कि देही अभिमानी किसको कहा जाता है। देही अभिमानी माने आत्मिक स्थिति का अभिमान। तो बाप कहते हैं ना आत्माभिमानी भव, देही अभिमानी भव। तो ये बात सिखलाने वाला तो जरूर परमात्मा ही होगा ना। जो बच्चों को कहेंगे कि अब तुम बच्चों आत्माभिमानी भव और माम एकम याद करो, ऐसे दौड़ेगे मुझे एक बिंदी को याद करो, ऐसे क्यों? बिंदु बिंदु आत्मा है तो अनेक कैसे पता चलेगा उनकी पार्ट का? तो बताते हैं कि वो सिखलाने वाला जरूर परमात्मा होगा, परम पाठधारी आत्मा, जो संसार के सामने प्रत्यक्ष हो। तो बच्चों को कहेंगे कि अब तुम बच्चों आत्माभिमानी भव, मेरे से तुमको ये सिर्फ रिलीजन, ये रिलीजन है जो अल्लाह अव्वलीन आकर के अव्वल नंबर की रिलीजन स्थापन करते हैं उससे शक्ति मिलेगी। रिलीजन इज माइट कहा जाता है ना, तो ये जो रिलीजन है ये तो बहुत ताकत वाला है। कैसी ताकत वाला है? और जो धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए रिलीजन है वो नई दुनिया बनाते हैं कि पुरानी दुनिया और बनती चली जाती है? पुरानी दुनिया बनाते हैं। और ये रिलीजन की ताकत कैसी है? नई दुनिया बन जाती है, नरक की दुनिया स्वर्ग की दुनिया बन जाती है।
नरक की दुनिया में तो दुखो दुख ही दुख बढ़ता जाता है, और स्वर्ग की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं है। तो देखो ये जो बाप आकर के, जिन्हें मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, तो बराबर वो धर्म ताकत वाला है ना। कैसे कहेंगे ताकत वाला? भाई देखो ये रशिया है, पहले बहुत ताकत वाला था, परंतु ये तो उनकी जिस्मानी ताकत है ना। तो यहां तुमको कहा जाता है ये जो धर्म है आदि सनातन देवी देवताओं का, ये बहुत ताकत वाला है। कैसे? ये रशिया, ये यूरोप, ये अमेरिका कोई सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं करते। और तुम्हारा रिलीजन देवी देवता सनातन धर्म इतना ताकत वाला है, सारे विश्व के ऊपर राज्य करते हैं। तो ये ताकत मिलती कहां से है? तो ताकत मिलती है एक बाप से, योग लगाने से। तो ये नई बातें हैं, बिल्कुल ही नई बातें हैं। बाकी इस पुरानी दुनिया में तो कितने धर्म हैं, कितने धर्म पिताओं की स्थापन किए हुए। तो एक की ताकत कहें कि दुनिया में एक की ताकत फैल गई है? नहीं, अनेक धर्मों की, अनेकतावादी, द्वैतवादी। तो एकदम कहेंगे नई बात, और ये बात उनको समझ में नहीं आती है तो समझाना पड़ता है।